भाई कल नेचुरल स्टार नानी पूरी इंडिया को एकदम से आश्चर्यचकित कर दिए अपने दशहरा के टीजर से। देखिए ये बात हम सभी जानते हैं, जब दशहरा के टीजर नहीं आया था उसके पहले काफी लोगों ने ये सोच विचार कर लिया था भाई ये तो पुष्पा की कॉपी या उसे की स्टोरी से मिलता जुलता होगा या फिर पुष्पा का यूनिवर्स का होगा। बट ना ही, दशहरा के टीजर ने एक रात में ही सबको गलत साबित कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। कुछ नया और यूनिक कंटेंट हमें फिर से साउथ सिनेमा के लोग दे रहे हैं। वे टीजर पर भी एक नजर डाल लेते हैं तो भाई मैं जानता हूँ आप भी सबसे पहले नानी का वॉयस सुनकर ही शॉक हो गए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा ये हमारे शरद केलकर जी की आवाज थी और काफी हद तक नानी की पर्सनालिटी पर एकदम सटीक बैठ भी गया इनका वॉयस। और फिर इसके अलावा फिल्म का डार्क विजुअल एकदम केजीएफ की याद दिला दिए और फिर नानी का लुक तो पूछो ही मत। ऐसे तो काफी समय पहले ही नानी का लुक रिवील हो चुका था बट इस टीजर में उनके लुक के साथ साथ उनका स्टाइल का तड़का भाई देखकर मजा ही आ गया है। और स्पेशली टीजर का लास्ट वाला सीन जब नानी अपने ही खून से अपने माथे पर तिलक करते हैं, आई नो सबको गुस्बम आ गया होगा उस सीन को देखकर। और ये वाला सीन सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि राजा मलेश्वर को भी काफी अच्छा लगा है। यानी कि भैया जब इंडिया के नंबर वन डायरेक्टर को दशहरा ने इम्प्रेस कर दिया है तो भाई फिल्म का फ्यूचर जरूर ब्लॉकबस्टर ही होगा, वो भी पैन इंडिया लेवल पर। और वैसे भी ये नानी है जहां आज के जमाने में तेलुगु इंडस्ट्री में आउटसाइडर को एक मूवी मिलना मानो इम्पॉसिबल हो गया है। सिर्फ 3-4 फैमिली पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखी है और वहां इन्होंने अपना अलग ही फैन बेस का दुनिया बना दिया है। और ये सब सिर्फ इनके एक्टिंग के टैलेंट के कारण ही हुआ है। आई थिंक इनके श्याम सिंघा रॉय के बाद ये दशहरा ही दूसरी फिल्म है जिसमें हमें इनकी फुल पावर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। देखिए दशहरा के टीजर से हमें तो पता चल गया है नानी के इसमें कैरेक्टर यानी धरानी एकदम सरफिरा और बेवड़ा मानुस से जो दिन भर कोयले के खदान में काम करता होगा और शाम को मस्त पी पाकर नौटंकी भी करता होगा। लेकिन एक चीज की कमी सबको खली होगी, वह है कृति सुरेश का। भाई इनका एक सीन तक टीजर में नहीं दिखाया गया, केवल एक दो पोस्टर और कुछ इनका बैक पोर्शन का झलक देखने को मिल रहा था जहां वो जनता के सामने भाषण दे रही थी। शायद उनका फिल्म और कैरेक्टर यानी विनीला वो एक पॉलिटिशियन होंगी। खैर अभी तक दशहरा के टीजर में स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी रिवील नहीं किया गया, बस एक गांव है खदान के बीचों बीच, वहीं कुछ उल्टा पुल्टा काम हो रहा है जो नानी के हिसाब से गलत है और उससे उन्हें रोकना होगा। और मुझे लगता है दशहरा मेकर सेकेंड टीजर जरूर डालेंगे जो सिर्फ प्रीति सुरेश के कैरेक्टर पर बेस्ड होगा। भाई इनका काफी बड़ा रोल है फिल्म में, मेकर्स ऐसे ही थोड़ी इनको हाइड कर देंगे। बाकी आपका क्या विचार है टीजर के बारे में अपनी राय जरूर देना हमें और साथ में ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।